Hello everyone, I am Jyoti Joshi and welcome back to our channel Top News Networks. Today we are taking a reaction on chai versus coffee. जानते हैं दिल्ली वालों को ज्यादा क्या पसंद है, करेंगे थोड़ी सी चाय पे चर्चा और कॉफी पे जरा डिस्कशन. So without wasting any time, let's go. तो चाय लवर और कॉफी लवर? कॉफी. चाय. 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 I am a coffee lover. कॉफी. चाय. Obviously चाय. मुझे वैसे मैं कॉफ़ी प्रेफर करूंगा, लेकिन जब छुट्टा हो तो फिर मैं चाय पीऊंगा. चाय पसंद है. क्यों कॉफ़ी क्यों? लड़कियों से कॉफ़ी पूछने में ज़्यादा मज़ा आता, चाय वाली रिस्पॉन्स नहीं देती. वो तो ठीक है, लड़की के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन पर्सनली घर पे और कभी दोस्तों के साथ चिल आउट करना है तो चाय प्रेफर करते हो कॉफ़ी? तब भी कॉफ़ी. कॉफ़ी रेपुटेशन अच्छी रहती है. इट्स लाइक कि हमने ऑलमोस्ट सिटी में हर जगह की चाय टेस्ट की हुई है. टपरी की चाय भी पसंद. वी गो, सबसे पहले लोग खाना टेस्ट करते हैं, हम चाय टेस्ट करते हैं वहाँ की. चाय पसंद है. अच्छा, चाय क्यों ऐसा, चाय में क्या ऐसा पसंद? चाय सस्ती सुंदर टिकाऊ टाइप है, कभी भी कहीं भी पी लो. और तो चाय मतलब ऐसी क्या पसंद है, कड़क कड़क चाय पसंद है या नॉर्मल सी? एनी टाइप ऑफ चाय. सीरियसली इतनी ज्यादा चाय पसंद? आई प्रेफर चाय, दैट्स इट. तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, ज्यादा दूध, कम पत्ती, व्हाटएवर. आई जस्ट लव चाय. चाय कैसी भी हो, चाय क्यों चाय ऐसी पसंद है? चाय इसलिए पसंद है क्योंकि देसी देसी सा लगता है पी के ना, तो सही है, जो है वही है. कॉफ़ी में वो मज़ा नहीं? कॉफ़ी अच्छी लगती है जब कहीं पढ़ना वगैरह हो, फिर कॉफ़ी नहीं तो ऐसे चाय. मुझे ना टपरियों की चाय पसंद है, वहाँ पीने का जो मज़ा आता है ना, जो गिलास में, वो कहीं नहीं मिलता. वो छोटे से कांच की जो गिलास, वो चाय. आपको चाय पसंद है, तो चाय में ऐसा मतलब कड़क चाय पसंद है या नॉर्मल? नॉर्मल. और कॉफ़ी लवर्स के लिए क्या कहना है आपका? ये इट्स ऑल अबाउट चॉइस, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय. कॉफ़ी इंडिया में होते हुए कॉफ़ी मतलब सबको चाय पसंद है यहाँ पे? बस कॉफ़ी थोड़ा कैफीन वगैरह होता है तो रात को काम आती है. और चाय के बारे में क्या ख्याल है? चाय इज ऑल्सो गुड, चाय भी अच्छी लगती है, पर कॉफ़ी आई विल प्रेफर कॉफ़ी मोर. अच्छा, अकेले पीना पसंद करोगे या दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ मज़ा ही अलग है, अकेले में तो घर पर भी पी सकते हैं हम. आपको कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी किसके साथ पीना पसंद करते हैं, अकेले या फ्रेंड्स के साथ? बेसिकली अकेले में भी मजा आता है, बट फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं कॉफ़ी. चाय और सुट्टा. चाय और सुट्टा. अच्छा, तो दोस्तों के साथ मज़े में पीते हो? या अभी पी के आए. चाय और सुट्टा. तो टपरी वाली चाय पसंद? हाँ, टपरी वाली चाय पसंद है. और किसके साथ चाय पीना पसंद है आपको, मतलब फ्रेंड्स के साथ या अकेले वाला? नहीं नहीं, फ्रेंड्स के साथ, अकेले में. अच्छा, टेस्ट के मुकाबले. अच्छा, पर्सनली बता दो ना, चाय पसंद है या कॉफ़ी? तब भी कॉफ़ी, इतनी बिली कॉफ़ी पसंद है. अच्छा, चाय सबसे बेस्ट किसके साथ टेस्ट करती है? मे बी फैन और पापे. वाह, फैन और पापे के साथ चाय एंजॉय करते हैं. एंड व्हाट अबाउट यू? कड़क वन, स्ट्रॉन्ग कड़क वन. हाँ. और कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? कॉफ़ी इज फाइन, अगर चाय कहीं नहीं अवेलेबल है देन सेकंड चॉइस इज कॉफ़ी. सेकंड चॉइस कॉफ़ी ऑलवेज. अच्छा, चाय सबसे बेस्ट किसके साथ टेस्ट करती है? मम्मी के हाथ के पराठे सबसे फर्स्ट, तो ऑब्वियसली सुबह की चाय मम्मी के हाथ की, एंड देन उसके बाद साइड बाय कुछ भी हो, बिस्किट्स या फिर व्हाटएवर. चाय विद एनीथिंग, रोटी, सब्जी, चावल, एनीथिंग. ओह माय गॉड, ट्रू चाय लवर्स वी हैव. अच्छा, कॉफ़ी सबसे बेस्ट किसके साथ टेस्ट करती है? कॉफ़ी बेस्ट ओरियो बिस्किट्स के साथ. ओह नाइस, ओरियो बिस्किट्स विद कॉफ़ी. अच्छा, कॉफ़ी किसके साथ पीना पसंद है, मतलब अकेले रात को या फिर फ्रेंड्स के साथ? पूरा अकेले, जब मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ तब ज़्यादा अच्छा लगता है रात को. कैफीन होता है तो थोड़ा सा मतलब उठने में. तो चाय किसके साथ पीना पसंद है, मतलब अकेले या फिर फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? सबके साथ, अकेले भी, एनी टाइम. अगर स्टडी वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली अकेले, अदरवाइज फैमिली के साथ तो चाहे वो दिन में कितनी बार भी पूछे तो कभी ना नहीं होती. अच्छा, जो लोग चाय नहीं पीते उनके बारे में क्या लगता है, कैसे होंगे? भैया पी के देखो, शायद अच्छी लगे यार. कड़क चाय पसंद है या फिर नॉर्मल? नहीं, कड़क हो, हल्की मीठी. चाय बनाना आता है दोनों को? चाय वेरी बेसिक, तो सभी को आता है बनाना. एक छोटी सी रेसिपी बता दीजिए चाय की, किस तरह से आप बनाती हैं वो चाय, कैसे बनाते हैं? बताओ. दूध डालो, पानी डालो, चाय पत्ती, अदरक वगैरह उबाल दो. मैं पहले पानी बॉईल करेंगे, उसके साथ फिर चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे उसमें, फिर जब वो बॉईल हो जाएगी उसमें फिर दूध डालेंगे, जब दूध बॉईल हो जाएगा फिर उसको कप में डाल के पी लो. वाह क्या बात है, चाय भी बनानी आती है इन्हें. पहले पानी बॉईल करा, उसमें मेरे मतलब घर में है कि हम लोग इलायची तुलसी वगैरह डालते हैं उसमें, उसके बाद चाय पत्ती, चीनी एंड मैं दूध, एंड उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक बॉईल करो तो इट टेस्ट गुड. मैं थोड़ा चाय के साथ शेफ़ बनने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों. तो पानी पहले उबाल के अच्छे से, उसके बाद फिर तुलसी के पत्ते जैसे यू नो डाल के, उसके बाद इलायची, उसके बाद सिनेमन, उसके बाद फिर मैं पत्ती डालती हूँ लास्ट में, फिर चीनी मैं सबसे लास्ट में, फिर दूध.
कुछ अलग तरीका है या वही नॉर्मल दूध बॉयल करो और उसके बाद कॉफ़ी डालो? नहीं नहीं, बेसिकली बीट करके, फॉर एग्जांपल जैसे दो पैकेट कॉफ़ी के डाल के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के, चॉकलेट सॉस डाल के, मतलब बहुत एक या दो ड्रॉप्स, नियरली 3-4 ड्रॉप्स डाल के पानी का, उसे कंसनट्रेट कर लो, फिर उसे दूध में मिक्स करो। ये हमें सच्चे कॉफ़ी लवर मिले हैं यहाँ पे। बहुत आपने बहुत अच्छा मेथड बताया कॉफ़ी बनाने का, बहुत मेहनत भरा, इतनी मेहनत कोई नहीं करता आजकल, बट आप करते हो। सो आर यू अ चाय लवर और कॉफी लवर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क्स। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।